जैन चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान है। मैं नहीं मानती कि जैन चौधरी जी इस तरह का कोई कदम उठाएंगे। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। बड़े पलटूराम हो गए, छोटे पलटूराम हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि जैन जी ये नहीं करेंगे। क्या राष्ट्रीय लोक दल यानी RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी पलटी मारने वाले हैं? क्या जाटलैंड के बड़े नेता जयंत चौधरी की पार्टी BJP से हाथ मिलाएगी? ये सवाल उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं, सबसे पहले ये बता देते हैं। खबर है कि मंगलवार को जयंत चौधरी ने दिल्ली में BJP के एक बड़े नेता से मुलाकात की। इसी मुलाकात के बाद कयासों का दौर जारी हुआ। बताया गया कि BJP कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा की सीट RLD को देने के लिए तैयार है, लेकिन कयासों का ये धुआं मंगलवार की मुलाकात से पहले भी उठा, जब जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में बागपत के छपरौली में होने वाली रैली की तारीख को आगे बढ़ा दिया। इस कार्यक्रम में जयंत अपने दादा चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण करने वाले थे। खबर तो यहां तक उड़ी कि अगर BJP के साथ गठबंधन हो जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं। देखिए अटकलों के बीच योगी के मंत्री संजय निषाद ने क्या कहा। निश्चित रूप से आएंगे तो हम और मजबूत होंगे, और आएंगे तो उनके जो वोटर्स हैं उनकी समस्याओं का समाधान तो हम कर रहे हैं। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी का मानना है कि जयंत चौधरी इतने समझदार हैं कि वो NDA में जाने की गलती तो नहीं करेंगे। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है क्या किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। मैं नहीं मानती कि जो RLD के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। जयंत चौधरी ने अगर ये निर्णय लिया है हाँ। तो मुझे लगता है ये उनकी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। बार बार इस प्रकार से पाला बदलने से ये नीतीश कुमार के जैसे नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। हाँ। बड़े पलटूराम हो गए, छोटे पलटूराम हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि जयंत जी ये नहीं करेंगे। ये सियासी अटकलें ऐसे समय में आ रही है जब 19 जनवरी को ही अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्वीर डाल गठबंधन का ऐलान किया। जयंत ने भी जवाब में गठबंधन को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जरूरी बताया। RLD को 7 सीटें मिलने वाली थी, हालांकि मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कैराना को लेकर स्थिति साफ नहीं थी, क्योंकि इन सीटों पर सपा RLD के निशान पर अपने उम्मीदवार लड़ाना चाहती थी। इस बीच जयंत चौधरी के राज्यसभा में नहीं दिखने को भी लोग इन अटकलों से जोड़ रहे हैं। अगर वाकई ऐसा होता है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए एक और झटका होगा, जिसे नीतीश छोड़कर जा चुके हैं। ममता बंगाल में अकेले लड़ने को कह रही हैं, और सियासत में दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती, लेकिन कयासों को सच मान लेना जल्दबाजी होगी। कयास कयास ही रहेंगे जब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं होता। अब जो होगा अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये खबर मेरे सहयोगी गौरव ताम्रकार ने लिखी थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।